वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग उनका क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। सबसे पहले हेलो अल्केन होता क्या है, हमें पता है अल्केन क्या होता है। कोई भी एन कार्बन जब साथ में जुड़े हों CnH2n+2 के फॉर्म में, वो होता है अल्केन। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया प्रोपेन, 3 कार्बन की चेन। हेलो अल्केन हम कब उसे बोलेंगे, जब आप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे एक हेलोजन एटम के साथ। तो यहाँ पे आपने क्या किया, ये CH3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, CH2 और एक H अलग से। आपने क्या किया, ये जो H है इसके जगह क्या रिप्लेस कर दिया, हेलोजन एटम। जब ये ऐसा रिप्लेसमेंट आप करते हो तब हम जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं हेलो अल्केन। हेलो एरीन्स क्या होता है, एरीन होता है एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आप कोई एरोमेटिक कंपाउंड, फॉर सपोज बेंजीन, उसमें आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन एटम को जब आप हेलोजन एटम से रिप्लेस कर दोगे तो जो आपका रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसे हम कहते हैं हेलो एरीन्स। फाइन, अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम इसे डिवाइड करते हैं, सबसे पहले होता है 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड और 3 डिग्री हैलाइड। ओके, तो 1 डिग्री हैलाइड क्या होता है, जब आपका हैलोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो तो हम उसे कहते हैं 1 डिग्री हैलाइड। फॉर सपोज ये आपका कार्बन एटम है, 1 डिग्री कार्बन क्या होता है, जब आपका कार्बन एक ही कार्बन से फर्दर जुड़ा हो तो हम उसे क्या कहते हैं, 1 डिग्री कार्बन। एक ही कार्बन से जुड़ा है, बाकी दो तो इसके पास एच है, तो ये क्या हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। जब इससे आपका हैलोजन अटैच्ड होगा 1 डिग्री कार्बन से तो उस हैलोजन को क्या कहेंगे हम लोग, 1 डिग्री हैलाइड। अब आप सेकंड में आते हो 2 डिग्री कार्बन, मतलब ऐसा कार्बन जो फर्दर 2 अल्काइल ग्रुप से, मतलब 2 कार्बन के ग्रुप से जुड़ा है, मतलब यहाँ क्या होगा एच, इससे जो हैलाइड जुड़ता है उसे हम कहते हैं 2 डिग्री हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड क्या होगा, वो हैलाइड जो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री कार्बन मतलब वो फर्दर 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो। ओके, तो ऐसे हमने डिफाइन किया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हैलाइड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, वो होता है आपका क्लासिफिकेशन अलाइलिक हैलाइड्स। अलाइलिक हैलाइड्स क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी और इसके साथ जो ये सी जुड़ा होता है उसमें जब आपका हैलोजन अटैच हुआ के, इस पोजीशन को कहते हैं हम लोग अलाइलिक पोजीशन। अलाइलिक पोजीशन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी के एडजेसेंट कार्बन से जब भी हैलोजन जुड़ेगा तो हम उसे क्या करेंगे, अलाइलिक हैलाइड्स। सिमिलरली विनाइलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, विनाइलिक हैलाइड्स होते हैं जब आपके सी डबल बॉन्ड सी से ये जो कार्बन है इससे जब आपका हैलोजन जुड़ा रहता है तब हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। फिर आता है बेंजाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड्स और अरिल हैलाइड्स, पहले हम देखते हैं अरिल हैलाइड्स क्या होता है। अरिल हैलाइड्स होता है जब आपकी बेंजीन रिंग से हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, अरिल हैलाइड्स। और बेंजाइलिक हैलाइड्स कब कहते हैं, जब आपके बेंजीन रिंग से एक कार्बन, एक sp3 कार्बन छोड़ के जब हैलोजन जुड़ा होता है तब हम उसे कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स। तो इस प्रकार हमने देखा क्लासिफिकेशन 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड, जो डिपेंड करता है आपका हैलोजन 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन या 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। एलाइलिक पोजीशन होती है सी डबल बॉन्ड सी के बाजू वाले कार्बन में अगर हैलोजन जुड़ा है तो वो होगा एलाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड्स क्या होगा, जब सी डबल बॉन्ड सी वाले कार्बन पे हैलोजन जुड़ा होगा तब हम उसे कहते हैं विनाइलिक हैलाइड्स। बेंजाइलिक हैलाइड क्या होगा, जब आपके बेंजीन से एक कार्बन एटम और जुड़ा हो और उस पे हैलोजन जुड़ा होगा तो वो होगा बेंजाइलिक हैलाइड। और अरिल हैलाइड्स क्या होगा, जब आपके बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हैलोजन अटैच्ड होगा तब हम उसे कहते हैं अरिल हैलाइड्स। फाइन, अब हम इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं, वो है इसका
प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन। प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन हम सबसे पहले करते हैं अल्कोहल की हेल्प से। जब आप अल्कोहल की हेल्प से इसे प्रिपेयर करोगे, हम इसके रिएक्शंस देखते हैं, राइट? आप फॉर एग्जांपल ले लो, मिथिल अल्कोहल आपने ले लिया हो, फाइन। उसके साथ आप रिएक्शन करा लो HCl के साथ। HCl के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयंस एक्सचेंज होंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मतलब CH3Cl जो हमें चाहिए था हेलो अल्केन प्लस वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और भी रिएजेंट्स हम यूज करते हैं CH3OH के साथ। फॉर सपोज आप यूज कर रहे हैं NaBr प्लस H2SO4। जब आप ये यूज करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये CH3OH ही है, राइट? CH3OH के साथ आयंस एक्सचेंज होंगे, यहाँ OH की जगह क्या आ जाएगा? Br। जैसे यहाँ पे पहले Cl आ रहा था, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Br प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस NaHSO4। ओके, अब आपका CH3OH के साथ हम फर्दर ऑक्सीडेशन कराते हैं PCl3। अगर आप PCl3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? वो बनेगा CH3Cl प्लस H3PO3। जब आप मिथिल अल्कोहल की PCl5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका हेलो अल्केन बनता है CH3Cl, पर बाय प्रोडक्ट्स आप ध्यान में रखिएगा POCl3 प्लस HCl। यहाँ पे देखिए पांच क्लोरीन है, तो यहाँ पे एक क्लोरीन गया CH3 के साथ, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl, और बचे हुए तीन क्लोरीन POCl3। और इसके साथ हम रिएक्शन देखते हैं, जब CH3OH SOCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? CH3Cl हेलोअल्केन प्लस बनता है SO2 गैस प्लस HCl गैस, ये दोनों रिमूव होते हैं। तो इसे हम कहते हैं, इसमें हमें प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है, सिंस बाकी दोनों प्रोडक्ट्स क्या है आपके गैशियस स्टेट में है, तो ये दोनों उड़ जाएंगे। तो इसे हम कंसिडर करते हैं एज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, फाइन। अब इसके बाद एक और तरीका होता है आप अल्कोहल से बना सकते हैं। जब आप CH3OH की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस X2 के प्रेजेंस में, इसमें X कौन कौन से रहते हैं? X रिप्रेजेंट्स हैलोजन, बट X2 के प्रेजेंस में X2 कौन कौन से रहेंगे? Br2 और I2। तो आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या बनेगा? CH3X, जो भी इसमें से रहा Br2 या I2, उस हिसाब से वो प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमने रिएजेंट्स यूज किए अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाने के लिए। सेकेंड मेथड है, आप जब हाइड्रोकार्बन का यूज करें तो वो मेथड में फर्स्ट है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में आप फॉर सपोज ले रहे हैं ब्यूटेन, ये एक हाइड्रोकार्बन है अल्केन। आप ब्यूटेन की रिएक्शन Cl2 अल्ट्रावायलेट रेस के प्रेजेंस में कराएं या लाइट बोले, तो क्या होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से इसमें क्लोरीन अटैच होगा। तो कितने पोजीशंस में हो सकता है? एक ये कार्बन में हो जाए लास्ट वाले, या ये कार्बन में इसमें हो या इसमें, बात तो ये की है, सिंस वो सिमेट्रिकल है तो आपके प्रोडक्ट्स क्या आ जाएंगे? CH3CH2CH2CL लास्ट कार्बन पे हो गया जब, और सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा? CH3CH2CH, यहाँ पे एक Cl लग गया एंड देन वी हैव CH2। ओके, ये पहला मेथड हो गया फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सेकेंड हम इसमें यूज करते हैं, ये तो हमने अल्केन से प्रिपरेशन किया, राइट? अब हम इसकी प्रिपरेशन अल्कीन से भी कर सकते हैं। अल्कीन से प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? फॉर सपोज आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन। इथीन की रिएक्शन अगर आप HX से कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक जगह H लग जाता है और दूसरी जगह क्या लग जाएगा आपका? X। तो फाइनल प्रोडक्ट होगा यहाँ पे एक जगह H और दूसरी जगह X। ये तो सिमेट्रिकल था तो हमें सोचना नहीं पड़ा कि H कहाँ लगाएं और X कहाँ पे, बट फॉर सपोज मैं एग्जांपल ले लेती हूँ
CH3 CH double bond CH2 plus HI. अब आप बताओ कि I में यहाँ लगाऊं कि ये वाले कार्बन पे सिंस डबल बॉन्ड के एक साइड H लगता है एक साइड I, तो ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है मार्कोनिक ऑफ रूल. मार्कोनिक रूल हमें क्या बताता है कि जहां पे आपके मोर हाइड्रोजन रहेंगे वहीं पे आपका पॉजिटिव चार्ज जाएगा. जहां पे आपके मोर हाइड्रोजन रहेंगे वहां पे जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज. अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ? H प्लस और I माइनस में ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ है? लास्ट में. तो यहाँ पे कौन जाएगा? पॉजिटिव वाला, मतलब H प्लस. तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा फाइनली? CH3 CH. ये लास्ट वाले के पास चलेगा आपका H. So, ये बनता है आपका मेजर प्रोडक्ट. एक और तरीका रहता है अल्कीन में, जब आप दूसरा रिएजेंट यूज करो. कौन सा? जब आप CH माने इथीन लिया आपने Br2CCl4 के प्रेजेंस में लिया, तो वो भी यही काम करेगा. ये Br2 है, मतलब दो Br है, तो ये क्या करेगा? दोनों साइड क्या लगा देगा? ब्रोमीन. और यहां पे भी क्या लगा देगा? ब्रोमीन. फाइन. तो ये हमारा तरीका हो गया फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. अल्केन की हेल्प से भी हमने हैलो अल्केन बनाया, और अल्कीन की हेल्प से दो रिएजेंट्स हमने यूज किया, एक HX और दूसरा Br2CCl4 के प्रेजेंस में, जैसे कि हम हैलो अल्केन बना सकें. अब हम थर्ड मेथड की बात करते हैं, वो है हैलोजन एक्सचेंज. हैलोजन एक्सचेंज में आपके दो मेथड होते हैं. पहला है यहाँ पे फिंकलस्टेन रिएक्शन. ये दोनों नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टेन रिएक्शन और स्क्वाट्स रिएक्शन. हम पहले डिस्कस करते हैं फिंकलस्टेन रिएक्शन. फिंकलस्टेन रिएक्शन में हम लोग NaI एसीटोन सॉल्वेंट के रूप में इसे यूज करते हैं. मतलब कभी भी आपने RX का रिएक्शन NaI एसीटोन के साथ किया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयंस एक्सचेंज होंगे, ये बन जाएगा RI प्लस NaX. इसी रिएक्शन को कहते हैं हम लोग फिंकलस्टेन रिएक्शन, जो NaI के प्रेजेंस में होता है. अब सेकेंड हम बात करते हैं स्क्वाट्स रिएक्शन की. स्क्वाट्स रिएक्शन में हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं, रिएजेंट हम इसमें यूज करते हैं मेटल फ्लोराइड. आप कौन कौन यूज कर सकते हो? जैसे AgF, Hg2F2, CoF2, SbF2, ऐसे आप मेटल फ्लोराइड्स यूज कर सकते हैं. इसका अगर हम जनरल रिएक्शन देखें तो क्या होगा? वो जब RX मतलब अल्किल हैलाइड आपका रिएक्ट करेगा AgF, फॉर सपोज रिएजेंट यूज करते हैं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये AgX यहां से बाहर हो जाएगा, मतलब RF प्लस AgX, ये आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट. तो ये क्या बनाने के काम आता है? RF. और इससे क्या बनता है? RI. और ये क्या हुआ है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्यों बोला जाता है? देखो यहाँ पे NaI है, मतलब यहाँ पे पहले सोडियम के पास आयोडीन, ये वाला हैलोजन था, और अल्किल ग्रुप के पास X माने कोई भी दूसरा हैलोजन था. इन्होंने क्या किए, बस अब Na के पास क्या आ गया? X, जो पहले किसके पास था? R के पास. और R के पास क्या आ गया? I, जो पहले किसके पास था? सोडियम के पास. मतलब क्या हो गया? दोनों ने अपने हैलोजन्स को एक्सचेंज कर लिया है. देयरफॉर इसे कौन सा मेथड कहा जाता है? हैलोजन एक्सचेंज मेथड. अब हम इसे फर्दर देखते हैं. ये तो हमने देखा प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन. अगर मुझे देखना है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स, इसके दो मेथड होते हैं. पहला मेथड है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको क्या करना है? आपने फॉर सपोज टोलुइन ले लिया, ठीक है? टोलुइन की रिएक्शन जब आप Cl2 के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ आयरन, तो क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है? H+, उसकी जगह क्या आ जाएगा? Cl+. तो आपके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं. यहाँ पे आएगा CH3 Cl, मतलब इसे कहते हैं ऑर्थो वाला प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू CH3.
और ये होगा पैरा वाला प्रोडक्ट। पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, क्यों मेजर होगा, इसका रीजन है क्योंकि जब भी पैरा में चीजें रहती हैं तो रिपल्शन कम होता है। यूजली ऑर्थो प्रोडक्ट तभी मेजर होता है जब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस हो, नहीं तो ज्यादातर केसेस में मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट। फाइन, एक दूसरा मेथड भी होता है जिसे हम कहते हैं सैंड मेयर्स रिएक्शन। अगर मैं सैंड मेयर्स रिएक्शन की बात करूं तो उसमें आपको क्या करना है, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर N2X ये रहा और आपने Cu2X2 कुप्रस के साथ कोई भी हेलाइड आपने लिया तो उसमें आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो हेलाइड जो है बेंजीन के जस्ट ऊपर लग जाएगी और N2 गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी। पर अगर आपको आयोडीन लगाना है बेंजीन के ऊपर, वो वाला हेलोएरीन आपको बनाना है आयोडीन वाला, तो आप वही कंपाउंड लेंगे, बस अभी सिर्फ I2 लेना पड़ेगा। आयोडीन के केस में क्यूप्रिस की जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका फाइनली क्या आ जाएगा, यहाँ पे I लग जाएगा और N2 गैस यहाँ से इवॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे दो मेथड पढ़े हेलोएरीन्स के लिए, पहला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है आपका सैंड मेयर्स रिएक्शन। फाइन, अब हम आगे प्रोसीड करते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर मैं बात करूं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन्स में, तो सबसे पहले उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, पहले तो मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वो चीज होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, कुछ भी हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है वो न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर सपोज OH- Cl-। ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको मैं कोई हेलोएरीन हेलोएल्केन दे रही हूं, फाइन, इसकी रिएक्शन आप कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ कराएं तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वहां पे डेल नेगेटिव चार्ज, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो वहां पे हो जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल पे होता है नेगेटिव चार्ज तो वो कहां अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ, मतलब आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और Cl- जो है वो बाहर निकल जाएगा, सिंस कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, चार ही। तो अब कौन आ गया, पहले यहाँ पे था क्लोरीन बट अब आ गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, देखो क्या हो गया, वो सब्स्टिट्यूट हो गया क्लोरीन की जगह पे, देखो हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल। ये दो टाइप का होता है, SN1 और SN2, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। SN1 और SN2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SN1 का फुल फॉर्म क्या है, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, वन मतलब यूनिमोलिक्यूलर, वन इज फॉर यूनिमोलिक्यूलर, और मैं SN2 की बात करूं तो वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर सपोज SN1 में मैंने एक एग्जांपल लिया CH3 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 और इसके साथ जुड़ा है आपका Cl और आप एक न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो OH-। एक हेलो अल्केन लिया मैंने, न्यूक्लियोफाइल है OH-, तो इसमें हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, Cl की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाएगा OH और Cl- बाहर। अगर मैं इसकी मैकेनिज्म देखूं SN1 की, तो इसमें दो टू स्टेप रिएक्शन होती है। स्टेप नंबर वन में क्या होगा, आपका जो Cl है ना वो बाहर निकलेगा, ये Cl था, इसमें क्या हुआ, Cl मॉलिक्यूल यहां से बाहर जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और Cl- यहां से बाहर निकल गया, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ओके, मतलब इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखना। स्टेप नंबर टू, ये जो आपका कार्बोकेटायन बन गया ना, अब इस पे कौन अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल, जो भी आपके पास न्यूक्लियोफाइल है वो जब इस पे अटैक करता है
फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब देखो कार्बोकेटाइन जो होता है ना वो प्लेनर होता है, जैसे ये पेज है ये एक प्लेन में आ गया, ऐसे प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से अटैक कर ले या वो नीचे से आ जाए अटैक करने, या वो ऊपर से अटैक कर ले या वो नीचे से आए अटैक करने, दोनों साइड में तो हमारे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक होता है जिसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो और एक होता है जिसमें इन्वर्शन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो अब हम इसे समराइज करें SN1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली फिर आप बोलोगे ये टू स्टेप है तो किस बेसिस में हमने इसे SN1 बोला, सिंस जो भी रिएक्टिविटी है या फिर हम बोल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन सिंगल रिएक्टेंट। देयरफॉर इसे हम लोग ने क्या बोला है SN1, सिंगल रिएक्टेंट मतलब सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी इसकी रिएक्टिविटी। देयरफॉर इसे क्या बोला जाता है, यूनिमोलिक्यूलर। सेकेंड बात कि वाई कॉल्ड SN1। अब हम इसकी थर्ड बात पे आते हैं। तो स्टेप नंबर वन में आप ऑब्जर्व करो क्या बन रहा है कार्बोकेटायन। तो जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको मैं 3 हैलो एल्केन्स दे रही हूं, ठीक है, एक ये, ओके, ये यहां पे अगर मुझे ये सब मैंने हैलो अल्केन्स लिया है, ये हैलो अल्केन्स में ये एक्स जुड़ा हुआ है यहाँ पे, हैलो अल्केन्स में अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन किसमें ज्यादा होगा SN1 का, तो सबसे पहले आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप क्या है, कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, एक्स यहाँ से रिमूव होगा, एक्स रिमूव होगा, कार्बोकेटायन फॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या किए, कार्बोकेटायन फॉर्म कर लिया, ओके। बताना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जितना स्टेबल बनेगा उसके बाद फर्दर अगर वो बनेगा ही नहीं आप सोचो तो आगे रिएक्शन जाएगी नहीं। देयरफॉर अगर रिएक्शन को जल्दी जल्दी कंप्लीट होना है तो पहले तो कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकेटायन क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ओके, ये कैसा होता है, गरीब, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसे चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, उसके जितने इर्द गिर्द ज्यादा होंगे ना उतनी उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पे इसको 3-3 ग्रुप डोनेट कर रहे हैं, यहाँ पे उसे सिर्फ 2 कर रहे हैं और यहाँ पे सिर्फ 1 कर रहे हैं, तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे ऐसे। तो मतलब अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बोलू, ये यहाँ पे एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री की रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी 2 डिग्री से एंड देन होगी 1 डिग्री की। तो ये बात समझना इम्पोर्टेंट था, आई होप आपको समझ में आई है। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को ऑर्डर में बोलू तो क्या हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ओके। फर्दर हमारी लास्ट में सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, मैंने बोली प्लेनर है, ऊपर से अटैक करेगा नीचे से अटैक करेगा, देयरफॉर इसमें होता है इन्वर्जन प्लस रिटेंशन, दोनों ही प्रोडक्ट्स इसमें फॉर्म होते हैं, इन्वर्जन वाले भी और रिटेंशन वाले भी। अब हम इसमें बात करते हैं SN2 की। SN2 में अगर मैं रिएक्शन देखूं, फॉर सपोज मैं एग्जांपल लेती हूं CH3Cl, मैं एक न्यूक्लियोफाइल OH- ली तो फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या दिखेगा, CH3OH प्लस Cl- बाहर। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी मैकेनिज्म में OH- हमेशा बैक साइड से अटैक करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं अगर इसका 3D स्ट्रक्चर बनाऊं, ये C है, ये हाइड्रोजन,
और ये ऐसा। अब यहां से आया OH माइनस, ये इस पे यहां पे अटैक कर रहा है, तो आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। रिमेम्बर ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये एक वन स्टेप रिएक्शन है, उसी में होगा, उसी समय उसने अटैक किया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनी एंड फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट जो है ये ब्रेक हुई, सीएल माइनस वहां से निकला और OH यहां पे अटैच हो गया। ये कार्बन है, इसके साथ जो OH है अटैच हो गया। अब इसमें हम क्यों कह रहे हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिमेम्बर अ कंसेप्ट। अगर ये सपोज कर लो ये जो हाइड्रोजन है ये C है और ये है, सपोज कर लो अम्ब्रेला स्ट्रक्चर है और ये Cl उसकी डंडी है। अगर आपका OH माइनस Cl के साइड से अटैक करता है तो तब क्या होता है, जब सेम साइड अटैक होता है तब हम उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। बट अगर आपका OH जो है वो Cl के अपोजिट से अटैक करे तो क्या होगा, आपका इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। ये कैसे समझे, पहले आप OH माइनस क्या किया, यहां से अटैक, यहां से अटैक किया तो ये देखो ये अम्ब्रेला का मुंह इधर है ना, ये इसका मुंह इतने जम के पुश करेगा कि पहले सीधा होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन हो रहा है, अपोजिट साइड अटैक, और ये अम्ब्रेला का मुंह ऐसे हो जाएगा और ये अम्ब्रेला की डंडी क्या है यहाँ पे OH। अगर आप फील करेंगे तो यहाँ पे देखिए यही हो रहा है, OH ने यहाँ पे अटैक किया, ये अम्ब्रेला का मुंह उधर हुआ एंड देन OH इज अटैच्ड हियर। तो देयरफॉर हम इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। तो सबसे फर्स्ट बात, इससे कंपेरिजन में अगर हम पॉइंट लिखे तो सबसे पहले भाई ये तो है वन स्टेप रिएक्शन। सेकेंडली उसने बोला रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन सिंगल रिएक्टेंट। अब इसे हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बिकॉज रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन बोथ न्यूक्लियोफाइल भी प्लस आपका सबस्ट्रेट जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो। अब थर्ड बात हम आते हैं वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब यहाँ पे तो कोई इंटरमीडिएट बन नहीं रहा, कोई कार्बोकैटायन बन नहीं रहा, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा। अच्छे से देखो, अगर इस कार्बन पे OH को अटैक करना है, यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप आ जाएंगे मोटे मोटे, तो ये OH कैसे अटैक कर पाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा। मतलब अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बड़े बड़े ग्रुप ज्यादा आ गए तो OH माइनस अटैक नहीं कर पाएगा। फाइन, जैसे हमने ये एग्जाम्पल उसमें देखा था SN1 के हिसाब से ये ऑर्डर आया था। अब आप फिर से देखो, अगर आपको मैं ये तीन दे दूं हेलो अल्केन्स, तो इसमें क्या है, तीन CH3 मॉलिक्यूल है, बहुत हिंड्रेंस है, कहां से अटैक करेगा OH माइनस। यहाँ पे दो है, यहाँ पे तो बस एक ही है बड़ा मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे तो वो सबसे खुशी खुशी अटैक करेगा, उसे ज्यादा रिपल्शन फील नहीं होगा। तो अगर मैं SN2 की रेट की बात करूं तो वो क्या होगा, 1 डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। क्यों, बिकॉज यहां पे कौन सा कंसेप्ट लग रहा है आपका, स्टेरिक हिंड्रेंस। सो कीप इन माइंड स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करती है रिएक्टिविटी, देयरफॉर आपका ऑर्डर होगा 1 डिग्री का सबसे ज्यादा रेट, 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन। एंड लास्टली इसमें हमने डिस्कस किया ये अम्ब्रेला उल्टा हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा जिसमें होगा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगुरेशन। तो ये चार पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और एक और डिफरेंस होता है कि इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है कार्बोकैटायन और इसमें कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन की दूसरी वाली, जो है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं उसे हम बीटा एलिमिनेशन भी बोलेंगे। ओके, अब इसे बीटा एलिमिनेशन क्यों बोल रहे हैं, सपोज आपके पास ये स्ट्रक्चर है, हम इसमें बीटा एलिमिनेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बीटा पोजीशन के एच को हटाएंगे। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड को इंट्रोड्यूस करना, बट बीटा बोल रहे हैं मतलब बीटा हाइड्रोजन को हटाएंगे और अल्फा कौन होगा उस वक्त, एक हैलोजन होगा। हमारा एम क्या है, एलिमिनेशन डबल बॉन्ड लाना है, पर किसको हटाना है, बीटा एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन को हटाना है।
तो अगर हमें किसी भी हाइड्रोजन को हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे OH माइनस देना पड़ेगा। OH माइनस अगर मैं इसे दूंगी तो ही तो ये H को लेके जाएगा और H2O बाहर निकाल देगा, तो ये OH माइनस कौन देता है, अल्कोहलिक KOH। ओके, अल्कोहलिक KOH अगर आप लेते हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C डबल बॉन्ड C और बाकी के जो बॉन्ड्स थे वैसे ही है, मतलब इसने क्या किया, HX को रिमूव किया। तो अल्कोहलिक KOH का ये फंक्शन आपको ध्यान में रखना है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ जाएगी, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, CH3CH2CH और यहाँ आपका Br लगा है। जैसे ही आपने हैलोजन देखा तो आपने इसे अल्फा कर दिया, आपको मैंने बोल दिया अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो, आपको स्ट्रक किया, बीटा एलिमिनेशन करेंगे, आपने अल्फा आइडेंटिफाई किया वो कार्बन जिससे Br जुड़ा है। तो जो बीटा एच है ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, मतलब आपके दो प्रोडक्ट्स आएंगे। जब आप एलिमिनेशन जो है यहां से आप Br को हटा दें या फिर दूसरा आपका एक प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2, यहां से आपने Br हटाया और ये बीटा एच के साथ ये वाला प्रोडक्ट, ये बीटा एच के साथ ये वाला प्रोडक्ट, अब इसमें से मेजर माइनर कौन सा होगा। तो इसके लिए एक रूल होता है, वो है सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल क्या बोलता है, वो वाली अल्कीन फॉर्म होगी जिसके डबल बॉन्ड कार्बन पे, जिसके डबल बॉन्ड के अराउंड ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे। तो ये देखो, ये डबल बॉन्ड है, इसके अराउंड कितने अल्काइल ग्रुप है, दो, और अगर आप ये डबल बॉन्ड देखो तो कितने अल्काइल ग्रुप है, सिर्फ एक। तो आपका मेजर प्रोडक्ट सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सेटजेफ रूल क्या है, मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन विच हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच टू द डबली बॉन्डेड कार्बन। तो ये हमने पढ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन। जैसे हमने आपके अल्कोहलिक KOH पढ़ा है ना, हमारे और दो रिएजेंट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है AgCN और एक होता है KCN। सिंस CN एक एम्बिटेंट लिगेंड होता है, वो नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है, वो एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है। तो फॉर सपोज मैं एग्जाम्पल ले रही हूं, आपने हेलो अल्केन की रिएक्शन KCN के साथ कराई, तो KCN क्या करेगा, CN माइनस C अटैक करेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CN साइनाइड। पर अगर आपने AgCN रिएजेंट यूज किया, AgCN में जो ये बॉन्ड होता है ना, ये कोवेलेंट होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होते, आयोनिक होते हैं, देयरफॉर इसमें कौन अटैक करता है, नाइट्रोजन, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3NC, मतलब क्या बनेगा, आइसोसायनाइड। तो आपको ध्यान में रखना है KCN बनाता है साइनाइड और AgCN बनाता है आइसोसायनाइड, किसके साथ रिएक्शन में, हेलो अल्केन। लास्ट हम इसकी रिएक्शन जो है हमने देखा एलिमिनेशन के बाद क्या है, मेटल के साथ रिएक्शन। मेटल के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन देखूं तो सबसे पहले हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है RMgX। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसके प्रिपरेशन आप करोगे हेलो अल्केन से। फॉर सपोज आपने RX ले लिया, उसकी रिएक्शन आप Mg के साथ करा रहे हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका बनता है RMgX कंपाउंड। हमें पता है Mg के पास क्या होता है, डेल पॉजिटिव चार्ज, और X हैलोजन के पास होता है डेल नेगेटिव, देयरफॉर R के पास भी क्या होगा, डेल नेगेटिव। इसकी रिएक्शंस हम आगे स्टडी करने वाले हैं, बस इतना ध्यान रखना इसमें R पे नेगेटिव साइन होती है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब सेकंड इसकी रिएक्शन है जो है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल हेलो अल्केन के हमने लिया, उसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराते हैं ईथर के प्रेजेंट में। तो इसमें क्या होता है, देखो RX आपने दो लिया, सोडियम आपने दो लिया, और ये आपने लिख दिया दो RX मॉलिक्यूल, दो सोडियम, इसमें ये Na दो है आपके पास और यहाँ पे हैलोजन मॉलिक्यूल दो है,
तो आपके 2 times NaX बाहर आ जाएगा प्लस RR बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ध्यान में रखने के लिए। इसमें क्या बनता है? RR, फाइनल प्रोडक्ट। फाइन, अब हम इसके बाद स्टडी करने वाले हैं लास्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स। इसमें हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल्स। सबसे पहले हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ये है हेलोएरीन। जब इसमें न्यूक्लियोफाइल OH- ने अटैक किया तो हमने देखा कि कुछ भी रिजल्ट नहीं आया, कोई प्रोडक्ट नहीं आया, नो प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन है, हमने पढ़ा जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो ये बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा, बट क्लोरीन के पास होता है लोन पेयर और उस लोन पेयर के कारण वो करता है रेजोनेंस। अगर वो रेजोनेंस परफॉर्म कर रहा है तो रेजोनेंस के कारण यहाँ पे आएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्शियल डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है डिफिकल्ट, देयरफॉर ये प्रोडक्ट नहीं देगा। सेकंड, इसका एक और रीजन होता है यहाँ पे कि सपोज सीएल वहां से निकल गया तो यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज। जब भी डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो होता है हाईली अनस्टेबल, देयरफॉर ये 2 reasons के कारण ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट फॉर सपोज आपको बनाना ही है, आप एक्सट्रीम ड्रास्टिक कंडीशंस यूज करते हो, आपने लिया बेंजीन पे क्लोरीन, फर्स्ट आप NaOH और H+ यूज करो बहुत हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, 623 केल्विन और 200 ATM, इतना हाई प्रेशर और 600 के करीब टेम्परेचर, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH- यहाँ पे लग जाएगा। बट फॉर सपोज मैंने यहाँ पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया और प्रेजेंस में वही NaOH आपका न्यूक्लियोफाइल और H+, तो आपको टेम्परेचर कम देना पड़ेगा और ये रिएक्शन सक्सेसफुल होगी। ऐसा क्यों होगा? सिंस जब यहाँ से क्लोरीन हटेगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उतने जल्दी न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है उसको जितना हाई अमाउंट में पॉजिटिव दिखेगा वो उतना जल्दी रिएक्शन देगा। NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, अगर वो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब NO2 ने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा दिया और इस पॉजिटिव ने न्यूक्लियोफाइल के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और रिएक्शन जल्दी हो गई, तो आपको इतना हाई टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं पड़ी, आप थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दिया तो आपका फाइनली प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? यहाँ पे OH, यहाँ पे NO2। बट फॉर सपोज आपने 2 NO2 लगा दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको और कम टेम्परेचर देना पड़ेगा NaOH, H+ के प्रेजेंस में 368 केल्विन फॉर सपोज आपने दिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस आपने 3 NO2 लगा दिए, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया है, तो आप सिर्फ वार्म वाटर में जब इसे डालोगे ना तो ही इसकी रिएक्शन सक्सेस हो जाती है और यहाँ पे OH लग जाएगा और ये NO2 ऐसे। तो ये थी रिएक्शन हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। सेकेंड रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हमें क्या करना है? आप हेलोएरीन लो, फॉर सपोज आपने क्लोरीन के लिए उसकी Cl2 के साथ रिएक्शन अनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में, तो इसकी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H+ है इलेक्ट्रोफाइल, उसकी जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्लोरीन, ये है आपकी बेंजीन, इसकी जगह क्या आ गया? एक और क्लोरीन, तो ये इसके ऑर्थो पोजिशन पे भी लग सकता है जाके, और जो क्लोरीन है वो जो क्लोरीन पहले से था उसके रिस्पेक्ट में पैरा पोजिशन में भी लग सकता है, ऑर्थो और पैरा, जनरली रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए
जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वही होगा आपका मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड हम इसमें बात करते हैं वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आपकी X प्लस जाके लग रहा था, नाइट्रेशन में NO2 प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होती है। इसमें आप क्या रिएजेंट यूज करोगे, फॉर सपोज आप ये हेलोएरीन ले रहे हो, इसके साथ रिएजेंट यूज करना पड़ेगा HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो आपका NO2 प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है वो वहां पे जाके अटैच हो जाएगी, तो आपके सिमिलरली दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो और एक पैरा, जिसमें से आपका पैरा वाला प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, मेजर। अब हम इसमें बात करते हैं थर्ड, जो है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में आपकी जो इलेक्ट्रोफाइल होती है वो होता है SO3H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोफाइल H प्लस की जगह लगेगी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और आप इसमें रिएजेंट क्या यूज करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। फिर आपके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक ऑर्थो और दूसरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, पैरा वाला प्रोडक्ट, और इसमें पैरा वाला ही मेजर होगा। लास्टली हम इसमें स्टडी करने वाले हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में जब आप हेलो एरीन्स की रिएक्शन CH3Cl, CH3Cl यहाँ यहाँ पे आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं इसके साथ कराते हैं, या फिर आप हेलो एरीन की रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl, यहाँ पे कोई भी R जनरल हो सकता है, इसे हम कहते हैं असाइल ग्रुप। जब भी अल्काइल ग्रुप या असाइल ग्रुप जो कि हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ हो उसकी रिएक्शन हम लोग हेलो एरीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3, उसे हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें क्या है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव, मतलब आपकी इलेक्ट्रोफाइल क्या है CH3, इसमें भी Cl पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, मतलब ये है आपकी इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच हो जाएगी ऑर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे, अगेन आपके दो प्रोडक्ट्स होंगे, ये ऑर्थो पे लग गई आपकी इलेक्ट्रोफाइल CH3+ और एक लग गई आपकी पैरा पे, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, पैरा वाला। सिमिलरली इसमें ये वाले कार्बन पे पॉजिटिव है तो हमने इसे लगा दिया H+ की जगह, प्लस आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड ओ CH3, जो कि क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अब हम इसमें लास्ट पढ़ने वाले हैं जो है हमारा थर्ड, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स अगर हम देखें, रिएक्शन विद मेटल्स पहले हम देखते हैं इसमें फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या होता है, जब आप दो मॉलिक्यूल्स लेंगे हेलो एरीन के और दो सोडियम लेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, जैसे सिमिलर वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, ये यहाँ पे आपने लिया एक हेलो एरीन, ये दो सोडियम, एक और हेलो एरीन आपने लिया, तो ये एक्स एन ए और एक्स, मतलब टू टाइम्स एन ए एक्स बाहर चले जाएंगे, वहां पे आर आर बन रहा था, यहाँ पे दो बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ जाएंगी और टू टाइम्स एन ए एक्स बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं बोलूं वुड्स फिटिक रिएक्शन, इसमें क्या होगा, वुड्स बोल रहा था मैं आर आर अल्किल अल्किल को जुड़ाऊंगा, फिटिक बोलता है मैं एरोमेटिक की दो रिंग्स को जुड़ाऊंगा, मतलब जब एक अल्किल वुड्स की तरफ से वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये क्या होगा, इसकी तरफ से वुड से आर एक्स मॉलिक्यूल आए और फिटिक की तरफ से बेंजीन रिंग आए और आपने टू टाइम्स एन ए लिया हो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या आपका प्रोडक्ट बनेगा, आर जो जुड़ा है आपके बेंजीन रिंग के साथ, प्लस टू टाइम्स एन ए एक्स,
तो ये वुड्स में बन रहा था, इसे आप इधर लिख सकते हैं। वुड्स में क्या बन रहा था? आरआर प्रोडक्ट। फिटिंग में क्या बन रहा था? दो बेंजीन रिंग साथ में जुड़ जा रही थी। एंड लास्टली अगर मैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन के प्रोडक्ट की बात करूं तो वुड्स से आर और फिटिंग में दो बेंजीन जुड़ रही थी तो एक बेंजीन। तो ये बनता है वुड्स फिटिंग रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। तो इसके साथ ही हमने सभी केमिकल रिएक्शंस जो हेलोएरीन्स की है उसे डिस्कस किया, और हेलो अल्केन 12th स्टैंडर्ड में जितना चैप्टर है प्लस जेई नीट के लिए ये सफिशिएंट कंटेंट है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।